खबर जिला शिवपुरी से आ रही है, जहां बीजेपी को एक और झटका। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के करीबी रहने वाले वनस्थली होटल के संचालक राकेश गुप्ता का 400 कार का लगभग 2000 लोगों का काफिला कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए शिवपुरी से भोपाल की ओर श्री मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलने के लिए रवाना। वंदे भारत न्यूज के लिए अरशद अली की रिपोर्ट। हाँ, मैं अरशद अली, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज, को की सच हम ही दिखाते हैं। अभी हम इस वक्त खड़े हैं कोलारस के पास में खड़े हुए हैं, और एक बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका दोबारा लगने जा रहा है बीजेपी के लिए। महाराज ज्योतिराय सिंधिया के बिल्कुल करीबी रहने वाले राकेश गुप्ता, जिनका 400 गाड़ी का कम से कम 2000 लोग उसमें सवार होकर भोपाल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए रवाना सीपरी से हुए हैं, एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए जहाँ लगने वाला है दोबारा। अभी पहले लगा था, एक झटका फिर लगने वाला है। काफ़ी लोग हमारे पास खड़े हुए हैं जो इस काफिले में जा रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे आखिर कितने लोग जा रहे हैं और जो बीजेपी के लिए कितना घातक होगा। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र कुशवाहा जी। अभी आप जो काफिला जा रहा है, कहाँ काफिला जा रहा है? क्या भोपाल जा रहे हैं बीजेपी के लिए झटका देने? कितने लोगों का कम से कम काफिला है? 200-250 गाड़ी। देखिए, आपने सुना 200-250 गाड़ी के लगभग ये काफिला एक तूफान की तरह भोपाल जा रहा है, और एक बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका दोबारा लगने वाला है। महाराज ज्योतिराय सिंधिया के बिल्कुल करीबी रहने वाले और साथ चलने वाले राकेश गुप्ता, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलने भोपाल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, एक बीजेपी के लिए बड़ा झटका। और काफ़ी लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? मैं ऋषि बोल रहा हूँ भाई। ये बड़ा काफिला निकल के जहाँ से जा रहा है, क्या कुछ मामला है? ये भोपाल जा रहे हैं हम लोग शपथ करने के लिए जी, राकेश गुप्ता जी के साथ। कितने लोग लगभग जा रहे हैं? करीब 350-400 के आसपास गाड़ियाँ हैं हमारे पास, और 2,500 आदमी हैं। देखिए, आपने सुना 2,500 लोग, ये बड़ा एक काफिला जा रहा है बीजेपी के लिए, एक बड़ा झटका दोबारा, बड़ा झटका बीजेपी के लिए लग रहा है ये। आप देखते रहे, अरशद अली, वंदे भारत न्यूज, शिवपुरी। देखिए, पास में मोहिन कांजी भी मौजूद हैं, ये भी कुछ बताना चाह रहा है, इनके मन में आखिर क्या आ रहा है हम जानेंगे। कितने लोग जा रहे हैं? नाम मोहिन खान है, 250-250 कार हैं, कम से कम 2,500-3,000 आदमी हैं। कहाँ जा रहा है ये? भोपाल जॉन कर रहे हैं कांग्रेस। कौन कर रहे हैं? कौन क्या? राकेश गुप्ता जी। अच्छा, सामल दास। ये जानकारी में लगा है कि महाराज के कुछ करीबी भी पहले रह चुके हैं? महाराज के करीबी रह चुके हैं, भाजपा में हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा, इस चक्कर में भाजपा हटा के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या आपका मतलब है बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है? बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लग रहा है, सीपरी जिले से राज्य के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे हम। अच्छा, देखिए, आपने सुना, जे दर्शक जो इतने लोग खड़े हुए हैं, सभी का एक ही नारा है, राकेश गुप्ता। देखिए, पास में काफी काफिला यहाँ मौजूद है, कैमरा मैन बताएं जरा कितनी गाड़ी है और कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। काफी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, देखते रहे हैं आप। ये देखिए, नारों के साथ ये गूंज रहा है कमल, गुप्ता जी संघर्ष करो। देखिए गुप्ता जी संघर्ष करो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारत माता की। देखिए, भैया को सुना, किस तरीके से कांग्रेस के जय जयकार के नारे लग रहे हैं, एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए दोबारा लगने जा रहा है। ये काफिला कोई ऐसे वैसे इंतजार कर रही है, राकेश गुप्ता जो बनस्थली सीपरी बनस्थली होटल के संचालक हैं, उनका ये काफिला है, और 2,500-2,500 आदमियों का ये काफिला, 400 गाड़ी है कम से कम जहाँ मौजूद हैं, और ये काफिला निकल के जा रहा है, आप देखते रहे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हफीजुर रहमान खान। आज जो ये सब लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम सब भोपाल जा रहे हैं, इंदिरा गांधी भवन, मध्य PCC कार्यालय, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पे, और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, शहर के जाने माने आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी, जो पहले किसी किन्हीं कारणवश थोड़ा सा बीजेपी में भटक गए थे या कुछ भी कहने, अपन अब दोबारा से सदस्यता लेने के लिए जा रहे हैं। आज माननीय हमारे SSB पूर्व मुख्यमंत्री, लगभग 300-400 गाड़ियों का टारगेट है, और हो जाएंगी।
हमें समय दिया गया है 11 बजे का, 11 बजे हम पहुंच जाएंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 11 बजे का समय दिया, 11 बजे पहुंच जाएंगे और सभी लोग एक साथ जा रहे हैं और पूरे लाव लश्कर के साथ सदस्य लेंगे और साथ में सैकड़ों लोग, टोटल लोग कम से कम मान लो आप 1200-1500 से ऊपर ही हो जाएंगे लगभग पहुंचने वाले।